नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी फिलहाल उठे, ब्रश वगैरह हुआ है, चाय पी है मैंने। तभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, क्या ही बताएं, इसलिए कानों में इतनी ठंडी हो जा रही है तो सर दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैंने अभी कैप पहनी हुई है ताकि ठंडी हवा कानों के अंदर ना जाए और ज़्यादा ठंडी ना लगे, क्योंकि जो मेरा बुखार था वो मुझे ठंड की वजह से बार बार आ रहा है। तो ठंड से मतलब पानी से तो हमें काफ़ी दूर ही रहना है ताकि वो फिर से ना आ जाए। तो चलिए आज की दिनचर्या को हम शुरू कर देते। अभी फिलहाल बेसिकली आज जो है मंगलवार है तो बाज़ार रहता है, तो जो मतलब मजदूर रहते हैं उन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तो उन लोगों का कपास लेना शुरू है। तो बाहर पूरा का पूरा उसी का वही लोग खड़े कपास देने के लिए और मेरे मासा जी का इंतज़ार कर रहे हैं। धूप लेने बैठे और ऊपर देखे आसमान से जो है रॉकेट जा रहा है, कितना सफ़ेद सा धुआँ छोड़ते छोड़ते हुए जा रहा है अभी आसमान की तरफ, और नीचे आसमान की तरफ भी यहाँ पर ही सफ़ेद सफ़ेद यानी कि कॉटन यानी कि कपास लेना शुरू है। तो भी मंगलवार का दिन है तो लोग जो है अपना कपास देते हैं ताकि उनको उनकी जो मतलब हफ्ते भर का जो सामान होता है, सब्जी वगैरह होती है, वो लाना होता है सबके लिए। और साथ ही साथ उन मजदूर जो लगाए होते खेतों में उनके पैसे देने के लिए यहाँ पर जो उसी की मोलताल हो रही है। तो ये वाला कॉटन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर भी जो बातचीत शुरू है सभी की, मेरे बाबा की। और यहाँ पर आर्यन आ चुका है तो आर्यन के साथ सभी मजाक कर रहे हैं, मतलब छोटा सा है ना, उसके साथ काफ़ी सारी बातें करते हैं, उसे बुलवाने की प्रयास मतलब उसे बोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर करते हैं। और इस तरफ देखिए कपास की लेन देन शुरू है। तो आज का दिन तो कहा पूरा का पूरा दिन इसी में जाता है कपास लेने में। सो जैसे आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा कपास हमारे रूम के सामने हो गया, तो हमें ना शॉप के अंदर जाने को मिल रहा है यानी कि हमारी दुकान के अंदर, ना ही हम रूम के अंदर जा सकते, इतना पूरा का पूरा कपास भर चुका है हमारे पूरे आंगन के सामने, जैसे आप पूरा देख पा रहे हो यहाँ पर। सो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ही लिया था मेरे मासा जी ने कि ये जो है मेरे बड़े पापा यानी कि मोटे पापा है, अपने बैलगाड़ी में लेकर जो अपने घर से कपास लेकर आ गए और मेरे मासा जी लग गए यहाँ पर फिर से काटा करने के लिए, यानी कि जो गठरी लाई है उसका जो अच्छे से वेट किया जाता है, उस वेट को लिखना भी पड़ता है कागज़ के ऊपर, क्योंकि दो चार गठरी लेकर आए तो फिर जो है उसे अच्छे से कैलकुलेट भी करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरे मासा जी कुछ कपास बाहर निकाल रहे हो इस वजह से, ताकि उस जो गठरी है उसका एक पर्टिकुलर वेट अच्छे से वेट हो, ताकि वो कैलकुलेशन में थोड़ी भी इधर उधर गड़बड़ी ना हो, इस वजह से तो उसे परफेक्ट वेट में ला रहे हैं यहाँ पर मेरे मासा जी। और यहाँ पर सारी गठड़ी को जो है फिर से एक साथ मतलब कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर अभी गाड़ी आ चुकी है फिलहाल कपास भरने के लिए, तो ये रहा टेम्पो। सो इस टेम्पो में सारा कपास डाला जाएगा जितना कि अभी तक मेरे मासा जी ने पूरा लिया है सुबह से। तो यहाँ पर टेम्पो पर उनके मजदूर जो है ऊपर चढ़ गए, कपास को अच्छे से फैला रहे ताकि उस पर अच्छे से मतलब दाब कर प्रेशर कर डाला जाए, क्योंकि उतना कपास भरना भी चाहिए। और ये गठड़ी जाएंगी अभी उस टेम्पो के ऊपर और उसे अच्छे से फैलाया जाएगा और अच्छे से उसकी पूरी की पूरी मतलब अच्छे से सजाया जाएगा उसको। तो अभी 4:05 काम ही है और आज शायद इंडिया का वनडे मैच होने वाला है, तो यहाँ पर मैच मेरे बाबा ने स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए हम मैच देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ, मैं और मेरे पापा इंडिया का वनडे मैच देख रहे हैं आज। तो आज पहला वनडे साउथ अफ्रीका के साथ, और ये देखिए मेरे बाबा और वहाँ पर हमारा मैच जो है स्टार्ट हो चुका है आज का फिलहाल वनडे। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है तो अभी हम चूल्हे के पास बैठे हुए चूल्हा सेक रहे हैं और अभी मेरी आई सब्जी बनाने वाली, मेरी फेवरेट गोभी की सब्जी, वो भी चूल्हे के ऊपर। सोचे कि चूल्हे के पास बैठकर अपना काम कर लेते, सब्जी भी बन जाती है और अपना सेक भी हो जाता है, सेकुटी भी हो जाती है। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।